अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और ये जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेथड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा देर से कर रहा हूँ। काफी टाइम से जो है वो मैं ये सोच रहा था कि आपके साथ ये मेथड शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग अपना वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो बाहर से प्रिंट करा रहे हैं। हालांकि वो अपना वैक्सीनेशन कार्ड खुद भी प्रिंट कर सकते हैं, खुद भी पीडीएफ बना सकते हैं, और बाहर से कम पैसों के अंदर ये काम पास हमें घर बैठे कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। जी हाँ दोस्तों, आज जो भी मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मोबाइल पर। यानी कि आपको किसी पीसी की, किसी लैपटॉप की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल नेट यूज करते हैं तो आप अपना वैक्सीनेशन कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल के अंदर हासिल कर सकते हैं। तो बस ये तमाम काम करेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। इससे भी लगे हम अपनी वीडियो के अंदर आगे चले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और वो मेरे भाई जिन्होंने अभी तक अपना वैक्सीनेशन कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं कराया है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करें कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी प्रिंट कर सकते हैं और आपके पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे। बाहर जो है वो आपको ये कार्ड मुख्तलिफ रेट में मिल रहा है। अगर आप ये कार्ड खुद प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, अपने मोबाइल के अंदर खुद से सेव करना चाहते हैं, तो आपके इसमें लगेंगे सिर्फ 100 रुपये। तो वह चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि आप ये तमाम काम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा वो मेरे भाई, इनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, किस तरीके से खुलवाना है, कौन से कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ये तमाम डिटेल्स मैंने उस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। तो वह चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। गाइस अब हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आपने सर्च करना नादरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। देन फर्स्ट वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आपने चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हुसूल। जैसे गाइस आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपको कुछ इस तरीके का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, अगेन स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, शनाख्ती कार्ड की तारीख इजरा क्या है, यानी कि इशू डेट क्या है। ये आपके CNIC के ऊपर पीछे बैक साइड के ऊपर भी लिखी होती है। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना CNIC नंबर डालना है। हम यहाँ पर एक रैंडम नंबर डाल लेते हैं। नंबर के अंदर जो है वो अपने देश का इस्तेमाल नहीं करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, CNIC की इशू डेट डालनी है, यहाँ पे हमने डाल दी 18/11/2019। 1+1 कैप्चा फिल करना है, और अगर ये नहीं हो रहा तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अगेन तस्दीक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप तस्दीक करें के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका नेट अच्छा होगा तो कुछ ही सेकंड के अंदर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इस नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि जिस बंदे का अपने CNIC डाला है, उसने कौन सी वैक्सीन लगाई है, उसकी डेट क्या थी। तो यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर लें कि क्या डेट थी, क्या खुराक थी, कितनी जो है उसने डोज लगवाई है। और जब आप ये देख लेंगे ये चीज़ ही है, यानी कि जो CNIC नंबर आपने डाला है उसके मुताबिक ही डिटेल आई है, तो आप क्या करें, तस्दीक करें के ऊपर क्लिक कर दें। अगेन आपके सामने एक न्यू टैब, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप स्क्रॉल डाउन करें, अब यहाँ पर जो है वो आपको ये चीज़ दिखाई जा रही होगी कि भाई आपने ये चीज़ें हमें फराम कर दी हैं। अब यहाँ पर आपसे पासपोर्ट नंबर पूछा जा रहा है और कौमियत पूछी जा रही है। कौमियत मतलब होता है नेशनैलिटी, यानी कि किस मुल्क के अंदर आप रहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पाकिस्तान सर्च करते हैं, PAK। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया सर्च करें। जिस भी मुल्क में आप रहते हैं वो यहाँ से आप सर्च करके सेलेक्ट कर लें और पासपोर्ट नंबर को छोड़ दें, लेकिन यहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपका नाम है वो आप यहाँ पर डाल दें और स्क्रॉल डाउन करके तस्दीक करें के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप तस्दीक करें के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। गाइस जैसे जो है वो आप नेक्स्ट टैब की तरफ, नेक्स्ट डिस्प्ले की तरफ आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो अब आपसे यहाँ ये बात कही जा रही होगी कि आपने जो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उसका टैक्स भरें। यहाँ पे आपके पास क्रेडिट कार्ड सहूलत अल्फ़ा का ऑप्शन मौजूद है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तो इजी पैसा की सहूलत भी यहाँ पे आ चुकी हो। तो गाइस यहाँ से जो है वो मैंने क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करा है और यहाँ पर जो है वो मैं जारी रखे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अगेन आपके पास जो है एक न्यू टैब, एक न्यू पेज आ जाएगा। वहाँ पर जो है अब आपने जो मेथड सेलेक्ट करा है उसके मुताबिक आपने जो है वो डिटेल्स देनी है। टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास पहला स्टेप है, तो इसको आप अग्री कर लें और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। अगेन आपके सामने एक न्यू पेज, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब जो आपने मेथड सेलेक्ट करा है उसकी डिटेल्स आपने देनी है। अगर इजी पैसा आपने सेलेक्ट करा है तो इजी पैसा का नंबर, NIC नंबर, इस टाइप की डिटेल्स सबसे मांगी जा सकती हैं। अब यहाँ पर मेरे से कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी कोड, एक्सपायरी मंथ, ये तमाम चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। यहाँ पर आप देख लें हमारे पास टॉप पर लिखा है अमाउंट 100 रुपये। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये तमाम डिटेल्स मैं इनको देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। गाइस कार्ड की डिटेल देने के बाद, यानी कि उसके जो नंबर है वो, उसका सिक्योरिटी कोड आपको कार्ड के पीछे देखने को मिलेगा। लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो कार्ड का सिक्योरिटी कोड होता है। जिप कोड आप अपने सिटी का, अपने एरिया का,
जब नेट पर सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, स्ट्रीट के अंदर सिंपल आप अपने स्ट्रीट का एड्रेस डाल दें, 77 ब्लॉक या एक्स वाई जी जो भी है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंने नॉर्मल सा एक एड्रेस यूज़ कर लिया। कन्फर्म पे के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, एक और चीज़ खुल के आएगी, यानी कि अब अगर आपने बैंक अकाउंट के ज़रिए ये टैक्स पे करा है तो आपके पास एक ईमेल जाएगा, आपके पास एक ओटीपी जाएगा, कहाँ पे, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। तो गाइज़ यहाँ पे जो मैंने अपना कार्ड यूज़ करा है वो यूबीएल का करा है, तो यहाँ पे मेरे नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही वो ओटीपी आएगा मैं यहाँ पे डाल दूँगा, प्रोसीड कर दूँगा। वेरीफिकेशन कोड का आपके पास हेडिंग आ रही है, आपने डालना है और आगे बढ़ जाना है। तो गाइज़ अब क्या होगा, अब आप जो है वो करीबन करीबन अपने इख्तिताम के ऊपर पहुँच रहे हैं, यानी कि जो 5 स्टेप आपको दिखाए गए थे उसके आखिर में पहुँच रहे हैं। अब आपके पास जो है वो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं हमने पेमेंट रिसीव कर दी है, अब हमें रिव्यू इन्फो करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डिटेल लगाई कि आपने 100 रुपये भरे हैं या आपका क्रेडिट कार्ड मेथड है, आपने एक रिव्यू लेना है और कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने एक और डिस्प्ले आएगा। अब क्या करना है, आपने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, इंदराज कर देंगे। यहाँ पर सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी, पाकिस्तान में आप रहते हैं, कौमियत, नाम वगैरह, उसके बाद आपने इंदराज कर देना है। अब आपके पास लास्ट स्टेप आ गया कि आपने अपना डाउनलोड कर लेना है। क्या डाउनलोड कर लेना है भाई, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। तो लंबा जो आपने प्रोसेस करा है वो सर्टिफिकेट के लिए करा है। सिंपल आप सर्टिफिकेट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये था एक सिंपल सा तरीक़ेकार अपना वैक्सीन कार्ड बगैर ज़्यादा पैसे खर्च करे डाउनलोड करना और प्रिंट करना। बस आ गए हम वापस अपने मोबाइल की स्क्रीन से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टिल अगर आपको एक क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अंदर रब्ता करें। मिलते हैं आपसे किसी न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।